नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं पंजाब की। आप सोच रहे होंगे कि पंजाब की आज हम बात क्यों कर रहे हैं। पंजाब में स्थिति कुछ कुछ वैसी ही बनती जा रही है जैसी मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद राजस्थान में चल रही है। यानी कि कांग्रेस की सरकार जो चल रही है वहाँ पर, उसे लेकर पार्टी के अंदर ही उथल पुथल का माहौल चल रहा है और पार्टी में बगावत के सुर सामने आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की सरकार चल रही है, 2022 में चुनाव होंगे, लेकिन 2022 से पहले ही वहाँ पर लंबा चौड़ा बखेड़ा होने जा रहा है। और इस बखेड़े की वजह अभी हाल ही में हुई है। आपको पता ही होगा कि जहरीली शराब पीने से वहाँ सैकड़ों लोग मर गए, अलग अलग शहरों में घटनाएं हुई और इसके लिए कैप्टन अमरिंदर की सरकार को ज़बरदस्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि अमरिंदर जब आए थे तो अकाली और बीजेपी की जो सरकार चल रही थी उसमें ड्रग्स माफिया और शराब और दूसरा जो नशा आता है बाहर से स्मगल होकर, उसको लेकर कांग्रेस ने बात उठाई थी और कहा था कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। हो उल्टा रहा है, नशा मुक्त हो नहीं रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार ने तमाम शराब की डिस्टिलरियां बंद कर दी, उनकी जगह अवैध डिस्टिलरियां चालू हो गई हैं और अब स्थिति ये है कि सरकार को दो तरफा मार पड़ रही है, राजस्व का नुकसान और दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की बदनामी हो रही है। इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है वहाँ पे कांग्रेस के ही दो राज्यसभा सांसदों ने, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो। प्रताप सिंह बाजवा पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ के कांग्रेस के, और जब चुनाव आया था 2017 का तो उस समय सोनिया गांधी ने कमान सौंप दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को और प्रताप सिंह बाजवा को माना जाता था कि वो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, उन्हें हटाकर कैप्टन अमरिंदर को सौंप दी गई थी कमान। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हरियाणा में हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ और अब राजस्थान में हो रहा है। यानी कि राहुल के बजाय सोनिया गांधी की चॉइस को प्रिफ्रेंस दिया गया वहाँ पर। अब दोस्तों स्थिति ये बन रही है कि जो ये शराब वाला मामला हुआ है इसे लेकर खुलेआम बयानबाजी हो रही है और इन दोनों राज्यसभा सांसदों ने अभी अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोला है और साफ कहा है कि अगर अमरिंदर को अभी नहीं हटाया गया और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को नहीं हटाया गया तो यहाँ पर पंजाब में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसी पश्चिम बंगाल में हुई है। वहाँ सिद्धार्थ शंकर रे जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने मनमानी की थी और कांग्रेस आज इतनी पिछड़ी है कि पिछले 3 दशक से बंगाल में उठी नहीं है। इन दोनों राज्यसभा सांसदों ने मोर्चा खोला और यही नहीं, इन दोनों ने जाकर राज्यपाल जो हैं वहाँ के पंजाब के, उन्हें जाकर एक मेमोरेंडम सौंपा कि ये जो शराब वाला मामला है, जहरीली शराब वाला मामला, इस मामले में CBI की जांच कराई जाए। यानी कि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ CBI की जांच चाह रहे हैं और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कैसे इन लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो का कहना है कि पिछले 3 साल में सारी डिस्टिलरियाँ बंद कर दी गई शराबबंदी और नशाबंदी के नाम पर और इससे लगभग 2500-2700 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है सरकार को। एक डिस्टिलरी को लगाने में 200-300 करोड़ रुपए लगते हैं, उसका जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है। अब हो क्या रहा है कि इनकी जगह अवैध डिस्टिलरियां चल रही हैं, 2-2, 3-3 करोड़ लगाकर छोटी छोटी डिस्टिलरी चल रही हैं और वहाँ पर घटिया और नकली शराब बनाई जा रही है। और उनका ये भी कहना है कि इसमें जो सत्ताधारी सरकार है, यानी कि उनकी अपनी सरकार है पंजाब की, उसी के लोग मिले हुए हैं और ये काम करा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप ये भी लगाए हैं कि जो दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ पर से भी शराब यहाँ स्मगल करके लाई जा रही है, बेची जा रही है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं। इस प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। जब ये लोग राज्यपाल से मिले और CBI की जाँच की मांग की तो कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट ने इनकी आलोचना की और कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि इनको पार्टी से निकाला जाए अनुशासनहीनता के आरोप में। दूसरी ओर जो पंजाब की कांग्रेस की प्रभारी हैं आशा कुमारी, उनका कहना है कि देखिए, प्रताप सिंह बाजवा प्रतिभाशाली नेता हैं और कैप्टन अमरिंदर से लगभग 15 साल छोटे हैं, उनके सामने लंबा फ्यूचर है और ऐसे में उन्हें सब्र करना चाहिए। और उनका इशारा इस ओर है कि शायद बाजवा
चीफ मिनिस्टर बनने की जल्दबाजी कर रहे हैं और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर के पीछे पड़ गए हैं। बहरहाल कैप्टन अमरिंदर तो पहले ही कह चुके हैं कि 2022 का चुनाव भी मैं ही हैंडल करूंगा। हालांकि 2017 में उन्होंने ये कहा था, कैप्टन अमरिंदर ने, कि मैं ये अपना आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन अब लगता है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद कब कैप्टन अमरिंदर में भी ताकत आ गई है और वो फिर से युवा हो रहे हैं। बहरहाल सत्ता की लड़ाई हो रही है, पार्टी के अंदर जो उठा पटक चल रही है वो बिल्कुल ठीक वैसी ही है जैसी कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हुई थी। बहरहाल अब स्थिति ये बन रही है कि पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से, लगभग 15-20 साल से, कैप्टन अमरिंदर के अलावा कोई चेहरा ही नहीं उभर कर सामने आया है। और सुनील जाखड़ जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, वो अब कह चुके हैं कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको याद होगा कि गुरदासपुर में वो सनी देओल से हार गए थे। और इसके अलावा पार्टी में जो मुख्य चीज़ें चल रही हैं, मुख्य स्थिति है, वो यही है कि राहुल वर्सेस सोनिया, जैसे कि अन्य स्टेट्स में है। एक तरफ राहुल गांधी के समर्थक हैं पार्टी में, दूसरी ओर सोनिया गांधी के समर्थक हैं। और इस पंजाब में भी यही हो रहा है, बाजवा राहुल गांधी समर्थक हैं और अमरिंदर सोनिया गांधी के सपोर्टर हैं। तो स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही बनती जा रही है जैसी कि राजस्थान में थी या मध्य प्रदेश में थी। आने वाले समय में हो सकता है कि पंजाब में कुछ उठापटक हो, कांग्रेस में कुछ लोगों को निकाला जाए, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बहरहाल नज़र तो यही आ रहा है कि अब कैप्टन अमरिंदर का पलड़ा फिलहाल भारी है और हो सकता है कि इन दोनों राज्यसभा सांसदों दुलो और बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। पंजाब पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।